गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस ओके। तो आज जो है हम मैप स्किल जो इंडिया का है उसको स्टार्ट करते हैं। मैम, तो पहले है जो है हम इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि आपका इसमें क्या क्या आने वाला है। चैप्टर 1 to 4 जो है इसमें आपका आएगा स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। ये हमें पता होना चाहिए कि किस ये हमारा चैप्टर 1 to 4 का है, जो पॉपुलेशन चैप्टर है, माइग्रेशन है, पॉपुलेशन है, इस चैप्टर से रिलेटेड है ये। तो इसमें आपका पूछा जाएगा कि भारत में किस राज्य में जो है शहरीकरण सबसे अधिक है, मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो शहरों में रहते हैं, और किस जो है स्टेट में मैक्सिमम लोग गाँव में रहते हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा, अर्बनाइजेशन जिसको हम कहते हैं और हिंदी में नगरीकरण कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, नगरीकरण या अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब जो हमारा मानव विकास जो सूचकांक है वो, उसमें सबसे आगे कौन सा राज्य है भारत का और सबसे पिछड़ा हुआ कौन सा है, सबसे मतलब जहाँ पे आपका जो है हेल्थ, लिटरेसी और एक्सेस टू रिसोर्सेज तीनों ही तीनों बहुत ही कम है, वो आपका कौन सा राज्य है। एंड देन लास्ट में आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, कि इंडिया का जो वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाईएस्ट एंड इन विच स्टेट इट इज लोएस्ट। तो ये जो एक आपके सामने टेबल बनी हुई है, इसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि, और इससे इसी में एक आपका दिया हुआ है एनी 10 मिलियन पॉपुलेशन, जो आपने इंडिया की बुक में आपको याद होगा कि एक आपका जो हम जो इंडिया में हम ये सेटलमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें एक मैप दिया हुआ था, रिंग वाला मैप, जिसमें आपने 10 मिलियन से 10 मिलियन सिटी, 15 मिलियन सिटी जो हमने पढ़ा था उसमें, तो वो आपके 10 मिलियन पॉपुलेशन वाली जो सिटीज है उनके बारे में पूछा जाएगा आपसे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं अर्बनाइजेशन से, कि नगरीकरण भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे नगरीकरण जो है अर्बनाइजेशन सबसे हाईएस्ट है। तो ये है आपका गोवा, ठीक है। तो जब आपका अगर मान लो इंडिया का मैप आता है उसमें बोलते हैं कि मार्क द एरिया, मार्क द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, मतलब सबसे अधिक लोग वहाँ के लोग शहर में रहते हैं, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, गोवा। और मुझे लगता है सबको गोवा की जो लोकेशन है वो पता होगी, गोवा कहाँ पर है ये देखिए, ये है गोवा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए गोवा जो है यहाँ पे सबसे अधिक, मतलब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र कम है और सबके सब जो है मैक्सिमम लोग यहाँ पे कहाँ रहते हैं, इन अर्बन एरिया सिटीज में ही रहते हैं, और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस ही तो आपको पता ही है। देन लोवेस्ट, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पे सबसे अधिक जो है जनसंख्या गाँव में ही रहती है, शहरों में जनसंख्या बहुत कम है, तो वो कौन सा राज्य है हमारा, हिमाचल प्रदेश। ये देखिए आपको टेबल में दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, तो आप यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यह हमारा हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश कहाँ पे मैप में, क्योंकि ये आपका बना आपको बनाना पड़ेगा, इंडिया का ब्लैंक जो है पॉलिटिकल मैप दिया रहेगा और उसमें आपको हिमाचल प्रदेश बनाना है। तो बहुत ध्यान से देखो, ये नया मैप है, लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, इसके नीचे जस्ट हिमाचल है, फिर आपका ये उत्तराखंड है। बच्चे कभी हिमाचल उत्तराखंड में हिमाचल इस तरह से गलत बना देते हैं, तो बहुत अच्छे से आप हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है उसको आप लोकेट करेंगे, ठीक है। और जब आप आएंगे तो मैं इसका टेस्ट लूंगी, इसलिए गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देन आपका नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, मानव विकास सूचकांक में जो है किस राज्य को सबसे अधिक नंबर मिले, मतलब सबसे हाईएस्ट, मतलब क्या हो गया, ये जो स्टेट है ये बहुत ज्यादा डेवलप होगा, यहाँ पे लोग बहुत खुशहाल होंगे, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, एजुकेशन की सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी। तो ऐसा कौन सा राज्य है, इसमें पहला आ गया आपका केरल। तो HDI में जो है हमारा सबसे आगे जो देश राज्य है इंडिया का वो है केरल। ये देखिए केरल बना हुआ है, केरल में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कॉमन एक आपका स्टेट है और इसकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और वो राज्य जो सबसे पिछड़ा हुआ है, मतलब मानव विकास सूचकांक में इसको सबसे कम नंबर मिले हुए हैं, वो है आपका छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ पे ना स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, ना एजुकेशन की, ना लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से जो है खाना पीना रिसोर्सेज मिल पाते हैं। तो ये है आपका, मतलब इस मतलब की बहुत ही पिछड़ा हुआ भारत का राज्य है। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़, बिल्कुल भी किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। ओडिशा है, ये आपका ओडिशा है, ओडिशा के जस्ट बगल में है आपका ये छत्तीसगढ़, ठीक है। ये झारखंड और ये इसमें मत बना देना, ये छत्तीसगढ़ जो एक आपका लॉन्गिट्यूडनल, देखिए लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में है, इसको हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। तो हाईएस्ट है आपका केरल में और लोवेस्ट है आपका छत्तीसगढ़ में। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ यस रही है मैम, आपको? ओके। देन नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व।
तो ये बहुत ही आसान है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? बिहार में। मतलब सबसे अधिक एरिया के एरिया और पॉपुलेशन का रेशियो होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एरिया और पॉपुलेशन के रेशियो में सबसे जहाँ पे घनत्व है वो कौन सा राज्य है आपका? बिहार। मतलब अगर आप बिहार में 1 किलोमीटर जाएंगे तो वहां पे आपको कितनी जनसंख्या देखने को मिलेगी? 1100, लगभग 1100 लोग आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। 1102 लोग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1102 लोग आपको देखने को मिलेंगे बिहार में। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है और यहाँ सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये याद रखिएगा। और जब आप एग्जाम में आएगा कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आप स्टेट बनाइए, तो आपने बिहार को मालूम से टिकमा कर दिया। और ये नहीं लिखना कि वहां पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट, ये नहीं लिखना है आपको। बस आपको मान लो जो क्वेश्चन दिया होगा, मान लो पहला क्वेश्चन ए है, ठीक है, ए दिया हुआ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट, तो आप ए लिखोगे और आंसर लिखोगे बिहार। आपको उस स्टेट का नाम लिखना है, ये नहीं कि जो क्वेश्चन में दिया उसी को उठा के लिख ले। बस नंबरिंग सही होनी चाहिए, ए है बी है सी है, जो भी क्वेश्चन है वहां होना चाहिए, और जो स्टेट पूछा गया उसका आप नाम लिखेंगे। मतलब पूछा गया कि लोवेस्ट एचडीआई कहाँ पर है, तो वो है आपका छत्तीसगढ़ में, तो आप ये छत्तीसगढ़ को मार्क करोगे ऐसे करके, और प्रॉपरली अगर यहाँ पे जगह है तो इसी के अंदर लिख देना छत्तीसगढ़ प्रॉपर स्पेलिंग के साथ, क्योंकि ये आना ही आना है। आपको मालूम है कि इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, तो स्पेलिंग अच्छे से रट लेना छत्तीसगढ़ की स्पेलिंग जो है, और इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिख देना, ठीक है, इधर उधर ना जाए। जो भी आप एरो लगाएंगे, जो भी करेंगे, बहुत समझदारी से करेंगे, बचकानी हरकतें नहीं करनी है कि बच्चों वाली हरकतें जाके वहां पे कर रहे हैं। और सबसे कम जो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन राज्यों को आप अच्छे तरह से समझ लीजिए, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, इसके बाद किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अर्बनाइजेशन, संनगरीकरण सबसे हाईएस्ट कहाँ है? गोवा एंड गोवा में है, और सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में मैक्सिमम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। मान लो ये क्वेश्चन इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगर ये पूछते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे सबसे कम अर्बनाइजेशन है या नगरीकरण है, तो भी आपका आंसर हिमाचल प्रदेश ही होगा, वो घुमाकर बस पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। एंड देन सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? गोवा। देन आपको पूछा गया एचडीआई में नंबर वन कौन सा राज्य है आपका? केरल। ये एचडीआई में सबसे आगे है, नंबर वन रैंक इसको मिला इंडिया में। और वैसे भी आप जानते हो कि केरल हर चीज में आगे है ही, लिटरेसी में है, हेल्थ में है, हर चीज में। एंड देन सबसे कम नंबर किसको मिले? छत्तीसगढ़ को, सबसे लास्ट में छत्तीसगढ़ है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी बिहार में और लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश में। तो ये मैप आप अच्छे से रट्टा मार लेंगे। देन एनी सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। अब 10 मिलियन पॉपुलेशन वाली आपसे कोई भी सिटी पूछी जा सकती है, उसमें कौन कौन सी सिटी आपने पढ़ी थी? बेंगलुरु, चेन्नई, जहाँ पे 10 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद यहाँ पे शायद आपकी इस बार सिलेबस में नहीं दिया है, तो बेंगलोर की लोकेशन आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, बेंगलोर कई बार पूछा जाता है। ये देखो आपका कर्नाटका, बिल्कुल इधर से इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जस्ट ऊपर ये जो है एरिया, यहाँ पे आपका बेंगलोर है या बेंगलुरु है, कर्नाटका में, ये कर्नाटका है पूरा, ये जो येलो से आपको दिख रहा है ये कर्नाटका है, और यहाँ पे बेंगलुरु। गलती से भी तमिलनाडु में आपको डैश नहीं, आपको साइन नहीं लगाना है, ठीक है, ये आपका बेंगलुरु है, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। ये हमारी 10 मिलियन पॉपुलेशन सिटी है, यहाँ पे यहाँ की जनसंख्या 10 मिलियन है। देन उसके बाद ये है आपकी चेन्नई, जहां भी ये तमिलनाडु में और आंध्रा की बाउंड्री जहां खत्म होती है उससे नीचे ही, मतलब तमिलनाडु में ही आपको दिखाना है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इधर उधर भी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अगर मान लो बेंगलुरु यहाँ की जगह आपने यहाँ भी दिखा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ भी दिखा दिया तो, हालांकि वो सही नहीं है, लेकिन कम से कम आपने कर्नाटका में दिखाया, ये नहीं कि आपने आंध्रा में दिखा दिया, आपने गलती से तमिलनाडु में कर दिया। तो इतना रट्टा मान लो कर्नाटका में है बेंगलोर, एंड देन आपका ये जो है तमिलनाडु, वहां पे है चेन्नई। तो ये चेन्नई बिल्कुल यहाँ कोस्टल एरिया है, क्योंकि चेन्नई जो है आपका समुद्र तट से सटा हुआ है, लेकिन उसको पानी के अंदर मत बना देना, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आपको जहाँ पे ग्रीन दिख रहा है वहां पे ऊपर ही बनाना, थोड़ा सा अंदर ही कर देना, लेकिन इस बाउंड्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आंध्र प्रदेश में पहुंच जाएगा। तो ये तो सिटी होगी 10 मिलियन। उसके बाद आपका जो है 15 मिलियन वाली सिटी है आपकी दिल्ली और कोलकाता। यहाँ कोलकाता आप देख लीजिए, जो कि वेस्ट बंगाल में, वो भी आपका कोस्टल एरिया है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिल्ली एंड कोलकाता जो है आपके 15 मिलियन सिटीज हैं, और ये है आपका ग्रेटर मुंबई, ये मुंबई है आपका, बिल्कुल समुद्र के अंदर नहीं घुसना चाहिए आपका, थोड़ा सा कोस्टल एरिया पे ही रहना चाहिए। महाराष्ट्र में ये जो ग्रीन शेडेड महाराष्ट्र है, इसमें है आपका मुंबई। तो ये 3 4 5 सिटीज के आपको नाम मालूम होने चाहिए, बेंगलोर इन कर्नाटका, चेन्नई इन तमिलनाडु, उत्तर दिल्ली नॉर्थ में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, एंड मुंबई महाराष्ट्र में।
ठीक है, जिसमें से कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, ये सब कोस्टल टाउन्स हैं और जो पहले से ही डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब इसमें मुझे किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि आपको कल इसको आप बता नहीं पा रहे हैं। एक बार जिसमें आपसे रिवाइज करवा रही हूँ, अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, फटाफट आप मुझे आंसर करेंगे, और लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैं पूछ रही हूँ तो आप लेफ्ट कर देंगे, और हर बच्चा अब एक ही बार आंसर नहीं करेगा, और मैं तो अभी पूछ रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है आपका ये पूरा का पूरा रिवाइज होना चाहिए। जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए। आप मंडे को आएंगे तो आप पूरा इसका पेपर देंगे अच्छे से, पूरा मतलब जो भी पूरा इंडिया का मैप है, पूरा का पूरा आपका टेस्ट होगा। तो इसमें आप मुझे बता दीजिए कि सबसे ज्यादा वो कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश। ये अंजलि ने मीटिंग को लेफ्ट कर दी भाई। यस, हिमाचल प्रदेश। चलिए कोई और बच्चा मुझे बताएगा कि ऐसा कौन सा राज्य भारत का जो सबसे जिसे सबसे कम नंबर मिले हैं, वो हु इज एट द लास्ट रैंक इन द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। यस, सबसे हाईएस्ट रैंक HDI में किसे मिला है? केरल। केरल। केरल, ओके। देन सबसे अधिक अर्बनाइजेशन कौन से राज्य में? गोवा। सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से राज्य में है? बिहार। बिहार। सबसे कम? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। साउथ इंडिया में 2 10 मिलियन सिटीज का नाम बताइए। बेंगलुरु बेंगलुरु, एंड चेन्नई। चेन्नई। बेंगलुरु एंड चेन्नई। चेन्नई कौन से स्टेट में है? कर्नाटक, तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु। अभी तो मैं बता रही हूँ भाई, अभी तो मैंने बताया मैप्स के साथ बताया तुम्हें। चेन्नई कैसे, चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु की। और दूसरा कौन सा है, बेंगलुरु, ये कहाँ पर है? कर्नाटक। इतने इसमें भी तुम लोगों को नहीं आ रहा है, इतना 10 बार मेरे बोलने के बाद भी तुम लोग बोला कि एक एक बच्चा डर डर के बोल रहा है। पढ़ लो नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर, इतना भी तुम्हें नहीं मालूम है तो। 20 मिलियन सिटी कौन सी इंडिया की? मुंबई। ग्रेटर मुंबई। और 15 मिलियन सिटीज कौन सी इंडिया में? दिल्ली, और कोलकाता। यस, तो ये हो गया आपका मैप। अब आप जो भी है इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, रिटन प्रैक्टिस करेंगे आप। देन आता है हमारा बहुत ही इजी मैप है ये, एग्रीकल्चर चैप्टर से। हमारा एग्रीकल्चर इंक्लूडेड नहीं है, बस उसका जो मैप वाकई इजी है इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया है आपका। ये क्रॉप्स हैं और इनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो आपको मेंशन करने हैं मैप पर। ठीक है, आपसे आ जाएगा कि चावल का अग्रणी जो राज्य है उसका ना उसको बताइए मैप पे, या कॉफी का बताइए, या टी का बताइए, या शुगर केन का बताइए, जूट का बताइए। तो ये जितने भी 7 क्रॉप्स हैं ये कहाँ सबसे अधिक ग्रो किए जाते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो चावल में कौन सा है सबसे पहले, तो आप ये टेबल याद कर लेना। चावल में, चावल सबसे अधिक भारत में किस राज्य में उत्पादन किया जाता है बताओ? वेस्ट बंगाल। ये सामने लिखा भी हुआ तब भी नहीं बोल पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल। आपने पढ़ा है कि पश्चिम बंगाल में चावल को 3 बार ग्रो किया जाता है एक साल में। ठीक है, ऑस बोरो और एक तनी क्या है नाम उसका, तो 3 सीजन्स में उसको ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल में, इसलिए सबसे अधिक प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होती है राइस की। अब याद रखना, दोबारा भूलना नहीं है, राइस सबसे अधिक कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल। एक ही बच्चे की आवाज आ रही, बाकी सब नहीं बोल रहे हैं, सो रहे हैं क्या? साक्षी आप बताइए, राइस सबसे अधिक कहाँ पे होता है? मैम वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है वीट, गेहूं। गेहूं सबसे अधिक कहाँ ग्रो किया जाता है? यूपी। उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब, कई बच्चे सोचते हैं लेकिन पंजाब नहीं है, वीट का आंसर है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक कॉटन कहाँ ग्रो किया जाता है? गुजरात। गुजरात। सबसे अधिक जूट कहाँ, जूट समझते हो ना वो जिससे हमें चटाइयां बनती हैं, बैग्स बनते हैं, उन्हें उसे जूट कहा जाता है, तो ये इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो ये कहाँ ग्रो किया जाता है सबसे अधिक? पटसन, इसको हिंदी में पटसन कहते हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में 2 चीजें हो गई, एक चावल और एक जूट। देन चीनी सबसे अधिक कहाँ होता है? शुगर केन, गन्ना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चाय, असम।
कॉफी, इसमें कंफ्यूज मत होना, कॉफी में कई बच्चे केरल कर देते हैं, बट कॉफी सबसे अधिक कहाँ ग्रो की जाती है? कर्नाटका में। ठीक है, अब हम इसका मैप पे देखते हैं, आप मुझे मैप पे बताएंगे। ये देखिए, सबसे अधिक जो है गन्ना कहाँ पे ग्रो किया गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या किया है ना कि ये जो मैप है, अगर मैं एक तरह से तरीके से देखूँ तो ये थोड़ा सा आपका गलत माना जाएगा, पूछो क्यों, बल्कि सही है मैप, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस तरह से करेंगे एग्जाम में जाके तो आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। जैसे उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो इसमें सिर्फ वीट लिखा हुआ है ना, ऐसे करके वीट लिख दिया ना। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कौन सा स्टेट है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि स्टेट कौन सा है, क्योंकि वो आपसे स्टेट ही पूछेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये वीट और शुगर के इन कौन से राज्य में ग्रो किया जा रहा है सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो आपको लिखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश और ब्रैकेट में वीट या फिर शुगर केन। ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। असम। 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 असम है। अमन यस शर्मा, मैम। अमन शर्मा बताइए। मैम कौन से वाला? दिख ये नहीं रहा, आपका एरो दिखाई दे रहा है इसमें। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दिखा, दिख रहा मैम है? असम। करेक्ट, ये जो है आपका असम है। मैंने बोला कि असम है तो कई बच्चे डर गए होंगे कि ये असम नहीं है। ये आपका कौन सा राज्य है? असम। ये वाला कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा चावल और पटसन या जूट ग्रो किया जा रहा है? वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट यहाँ बंगाल। बांग्लादेश में मत मार करना भूलकर भी, बिल्कुल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, क्योंकि चावल कई बार पूछा जाता है इसलिए कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो गलत करके वेस्ट बंगाल भर देते हैं, ये सॉरी बांग्लादेश में कर देते हैं। तो ये याद रखना, ये मेघालय जो ये एरिया है इसके ये बीच में जो है हमारा नहीं है। ठीक है, ये है आपका जैसे इस तरह का निकला हुआ है, ये हमारा जो है वेस्ट बंगाल है, नहीं तो मैं पक्का गारंटी दे रही हूँ इसमें से भी कई नमूने जो है ऐसे ही भर कर आएंगे। देन उसके बाद जो है हमारा ये आ गया, ये कॉटन। ये कौन सा स्टेट है? गुजरात। गुजरात। ये है गुजरात, ये है यूपी, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में। ये है वेस्ट बंगाल। अगर आपने स्टेट का नाम नहीं लिखा ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, भले ही आप उसमें भर दीजिए, समझ रहे हो ना मेरी बात। क्योंकि तो मैक्सिमम बच्चों ने ऐसे ही किया है कि स्टेट का नाम, ये स्टेट में भर दिया लेकिन नाम नहीं लिखा स्टेट का। ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कर्नाटका। कर्नाटका। वो देखो कुछ महाराष्ट्र कह रहे थे, महाराष्ट्र तो ये बेटा भारत का बहुत बड़ा राज्य है, ये है आपका कर्नाटका। मैप इंडिया का रट लो, अगर नहीं अभी तक रटे हो 12वीं क्लास में होगा तो इसको रट लो, कर्नाटका ही है। ये कौन सा है? गोवा। 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 ठीक है, तो ये हो गया आपका जो क्रॉप्स का मैप है वो। अब नेक्स्ट हम मैप पे जाते हैं, माइंस। ये आपको बहुत ज्यादा स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली वो बच्चे, कुछ बच्चे हैं तो उनको तो नंबर बहुत ज्यादा स्कोर करने नहीं है तो मेहनत भी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कुछ बच्चे जिनको मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए ताकि आपको इसमें 10 में से 10 नंबर मिले, बहुत आसान है और प्रैक्टिस कर लोगे रोज आधा आधे घंटे तो 10 में से 10 पक्के हो जाएंगे। ये हम आयरन ओर माइंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयरन ओर माइंस जो है मतलब जहां से आयरन निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें है आपके 1 2 3 4, 4 एरियाज आपको आयरन ओर माइंस में पढ़ने हैं। इसको रट्टा मार लो, पहले तो आप उसको वैसे ही लर्न करो कि आयरन ओर की हमें कौन कौन सी माइंस पढ़नी है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि 4 आपकी आयरन ओर माइंस आपको पढ़नी है, उनमें से ही कोई आएगा। ठीक है, अब इसमें से देखो बहुत आसान पड़ जाएगा, क्योंकि आपका एक आयरन ओर माइन है मयूरभंज जो कि ओडिशा में है, एक है छत्तीसगढ़ में बैलादिला, एक है आपकी महाराष्ट्र में रत्नागिरी, और एक है बिलारी कर्नाटका में। तो 2 आपके ईस्ट में है और 2 आपके साउथ के वेस्ट में। इस तरह से आप पढ़ लीजिए कि आयरन ओर माइंस हमारी 4 है, मयूरभंज, बैलादिला, रत्नागिरी एंड बेलारी। ठीक है, तो ये आपको जो है आयरन ओर माइंस को पढ़ना है। अब देखिए ये कौन सा है? मयूरभंज। क्या नाम है इसका? क्या नाम है ये? आवाज आ रही है आपको मेरी? उड़ीसा में मयूरभंज। हाँ, ओडिशा में मयूरभंज। ये आपको स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपसे कह देंगे कि ऐसे कह सकते कि 1 आयरन ओर माइन इन ओडिशा या 1 आयरन ओर माइन इन छत्तीसगढ़,
है ना, ये छत्तीसगढ़ है, वन आयरन और माइनिंग महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। अब देखो इस पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अगर नहीं करोगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा कि वो क्रॉप्स जैसा नहीं है, ये टफ पड़ेगा आपके लिए। तो मयूरभंज आपका ओडिशा में है, बेलादिला आपका छत्तीसगढ़ में है, देखो बिल्कुल नीचे की तरफ है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप चलो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं भी बना पा रहे हो तो कम से कम स्टेट का नाम, स्टेट रट लो कि कौन सा स्टेट, मगर आप छत्तीसगढ़ में यहाँ कहीं भी बना दिया छत्तीसगढ़ के अंदर तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं, बस आप एक मैच द फॉलोइंग टाइप का होता है ना वैसा बना लो कि बेला आपका मयूरभंज है ओडिशा में, देन आपका छत्तीसगढ़ में है आपका बेलादिला, देन महाराष्ट्र में रत्नागिरी और कर्नाटका में बेलारी, इस तरह से आप पढ़ लो तो आपके लिए आसान रहेगा। तो ये हो गया आपकी फोर आयरन आयरन ओर माइंस हो गई, देन ये है आपकी मैंगनीज। ठीक है, अब मैंगनीज जो है ये भी कई बार एग्जाम में आता है, इसमें आपकी कितनी है, दो, बहुत आसान है, सिर्फ दो ही है। बस आप इसमें मालूम कंफ्यूज क्या हो जाओगे, आपको लगेगा कि बालाघाट आयरन है या कोल है, मतलब इस तरह से बस कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बिल्कुल पहले तो आप रट्टा मार लो, उसको ऑरली लर्न कर लो, ये आपकी आयरन ओर की फोर माइंस है, मयूरभंज, बिलारी, रत्नागिरी और एंड बेलादिला, और फिर उनके स्टेट्स लर्न कर लो। उसके बाद आता है आपका मैंगनीज, मैंगनीज में दो है आपके बालाघाट एंड शिमोगा। तो बालाघाट जो है आपका मध्य प्रदेश में, ये देखिए, एंड शिमोगा आपका कर्नाटका में। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने आयरन ओर माइन मार्क कर दिया कि हमने मैंगनीज माइन मार्क कर दिया, इस तरह कंफ्यूजन ना हो इसलिए बिल्कुल आप इनको सेपरेटली अलग अलग पेज पर लिखकर इनको पहले लर्न कर लीजिए। तो मैंगनीज जो होता है ये भी आपका कैसा है, फेरस मिनरल है ना, फेरस मेटल है आपका आयरन ओर एंड मैंगनीज, बालाघाट एंड शिमोगा, इस तरह से आप लर्न कर लीजिए। अब हम आते हैं तांबे पर, कॉपर माइंस इन इंडिया, कई बार आता है आपका, कई बार पूछा जाता है। इसमें आपके तीन दिए हुए हैं, एक है आपका खेतरी, देखो खेतरी बिल्कुल ही अलग पड़ जाता है, इसमें वो ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्दर्न राजस्थान में एक माइन बताइए, या फिर अगर कोई सिलेबस में है ही नहीं, सिलेबस में जो है बस आपका यही है तो बस आप तीन पढ़ लीजिए, हजारीबाग, सिंहभूम एंड खेतरी। हजारीबाग और सिंहभूम आपका कहाँ पे है, झारखंड में है, और खेतरी आपका राजस्थान में। लेकिन अब झारखंड में देखो दो है, इसलिए आपसे वो ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न झारखंड में बताइए या सदर्न झारखंड में बताइए। तो अगर वो उत्तरी झारखंड का पूछे तो उसमें हजारीबाग हो जाएगा, और अगर वो सदर्न झारखंड का पूछे तो वो सिंहभूम हो जाएगा। और ये खेतरी तो बहुत फेमस है ही, अगर राजस्थान में आ गया तो खेतरी, KHETRI, तो बहुत फेमस है ही, ये तो आपको आप आसानी से मार्क कर सकते हो। तो चार हमने आयरन ओर की माइंस पढ़ी है, दो हमने मैंगनीज की माइन मैंगनीज की जो है माइंस पढ़ी है, और फिर तीन हमने पढ़ी है कॉपर माइंस। इनको आप अच्छे से रट्टा मार लो, हजारीबाग एंड सिंहभूम इन झारखंड एंड खेतरी इन राजस्थान। देन है आपका बॉक्साइट माइंस, बॉक्साइट जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है, एल्यूमिनियम। अब इसकी तीन माइंस आप पढ़ रहे हैं, देखो दो हमने पढ़ी है फेरस की, और दो हम पढ़ रहे हैं नॉन फेरस की, मतलब कि नॉन फेरस मेटल्स की। अब ये है आपका कटनी, बिलासपुर एंड कोरापुट, इसमें से कोरापुट बहुत बार आता है, वैसे है तो तीनों ही, आप कुछ कह नहीं सकते कौन सा आ जाए, लेकिन कोरापुट ओडिशा में बहुत बार आता है, कोरापुट, KORAPUT, कोरापुट बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, एंड कटनी आपका मध्य प्रदेश, मतलब देखो ले दे के यही तीनों राज्य हैं, तीन चार राज्य, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जहाँ पे आपका जो है माइंस है, एक आपका साउथ में कर्नाटका। ठीक है, तो आपका ये जो है बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम मिलता है, और ये जो खदान है आपकी कटनी मध्य प्रदेश में, कोरापुट ओडिशा में, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, तो इनको आप पढ़ लीजिए, कटनी और कोरापुट तो जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर आता है हमारा कोल, अब हम फॉसिल फ्यूल्स पे आ गए, तो कोल आ जाता है कोयला। मैंने आपको ये कई बार बताया है कि हमारे देश में सबसे बड़ी अगर कोयले की खदान कोई है, जहाँ पे सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, वह है हमारा झारखंड में झरिया, ये देखिए झारखंड में झरिया। दूसरी सबसे बड़ी खदान है रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, आप इसे याद रखिए, झ से झरिया, झ से झारखंड, सबसे बड़ी खदान है। देन दूसरी सबसे बड़ी खदान भारत की, वो रानीगंज, रानीगंज कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। और लास्ट है आपका बोकारो, जो कि अगेन आपका झारखंड में है। तो ये तीन आपकी कोल की माइंस हैं, झरिया, रानीगंज एंड बोकारो, ये तीन माइंस हैं आपकी जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है, कोल माइंस है ये। एंड देन आता है आपकी ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज जो है आपकी तीन ही दी हुई है, जिसमें दो आपकी जो है ये मार्केट बेस्ड है। अगर आपने उसमें पढ़ा हो, मैंने आपको बताया ना मार्केट बेस्ड, कि यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं है लेकिन इनको बनाया गया क्योंकि मार्केट इससे पास है। तो इसमें है एक आपका मथुरा, मथुरा ऑयल रिफाइनरी आपने सुना होगा, एंड बरौनी जो कि बिहार में, बी से बरौनी और बी से बिहार, ये आप, मैं कह रही हूँ एग्जैक्ट ना करके कम से कम स्टेट के कहीं भी अंदर भर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा।
सो बिहार में बरौनी है, लेकिन बिहार कहाँ पे है भैया? ये झारखंड में मत भर देना, ये बिहार है आपका, ठीक है? उत्तर प्रदेश के साइड में आपका बिहार है, तो ये बिहार में बरौनी है, BARAUNI, बरौनी। और ये है आपका मथुरा, मथुरा के पेड़े, वो क्या पेठे बहुत फेमस है, उससे याद रखना, मथुरा के पेठे, या तो मथुरा का आपका ऑयल रिफाइनरी हो गया। तो ये है आपका यहाँ पे, यहाँ पे ना बना के कहीं भी बना दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। एंड लास्ट जो भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो है जामनगर, जो कि गुजरात में, ठीक है? तो जामनगर भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, जो कि रिलायंस के अंदर में, रिलायंस आपने सुना होगा, तो उनके अंडर में ये ऑयल रिफाइनरी है, और ये बहुत बड़ी रिफाइनरी है, जामनगर, JAMNAGAR, जो कि गुजरात में। तो ये तीन आपको पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो ये हो गया आपका इंडिया का मैप। ये क्या बहुत आपको टफ लग रहा है? अब बताइए, इतने में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, और कोई इसमें तो नहीं ना बेटा ये खुशी? इतना ही मैप सिलेबस है आपका? यस मैम। अब बताइए, ये बहुत टफ है? आराम से 5 नंबर इसमें आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ना मैप वक्त लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, और वही वेस्ट ऑफ टाइम तब पता चल जाएगा जब 10 में से 10 कट जाएंगे। यहाँ पे एमसीक्यू वैसे ही आपका टफ है, 20-15 नंबर का जो एमसीक्यू है, 14 का, वो तो काफी टफ है। ले लो, जो यहाँ से मेरी क्लास हो रही है, ले लो, ठीक है? तो आपका देखो एमसीक्यू वैसे ही आपको टफ पड़ जाएगा, 14 नंबर का है। फिर जो वो आपका 2 पैराग्राफ बेस जाएगा, वो फिर भी थोड़ा आसान पड़ जाए। मैप वर्क आपको बहुत नंबर आपके कट जाएंगे अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो। इसीलिए आप जो है मैप वर्क आप बहुत अच्छे से इसको लर्न करेंगे। मैं फिर आपसे एक बार पूछ रही हूँ, आप अब मेरे साथ ऐसे बोलेंगे। पहली चीज, सबसे अधिक राइस कहाँ उत्पादन होता है? प्रतिष्ठा मुझे बताएंगी। मैम वेस्ट गेहूं बताओ प्रतिष्ठा, मैं आप ही से पूछ रही हूं। वीट सबसे अधिक कहाँ ग्रो किया जाता है? मैम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उज्जवल कुमार आप मुझे बताइए, शुगर केन कहाँ होता है, गन्ना सबसे अधिक? यूपी। चावल। उज्जवल सिंह मैं पूछ रही हूँ। वेस्ट जूट। बंगाल। वेस्ट बंगाल। कॉफी। ओके। आसाम। कॉफी असम में होता है सबसे ज्यादा। सपना रावत आप बताइए। पूछने पर तुरंत सपना रावत जो है लिफ्ट कर दिया उन्होंने मीटिंग। तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैं पूछी तो तुमको कुछ सीखने को मिलेगा? इतने ऐसे बच्चे हैं कि मतलब मैं पूछी तो डर के वजह से मैं इनको मारने जा रही हूँ स्क्रीन से। पूजा बताइए, कॉफी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? मैम कर्नाटक। और चाय? मैम असम। कॉटन। मैम गुजरात। यस। तो गेहूं सबसे अधिक होता है यूपी में, शुगर केन सबसे अधिक होता है यूपी में, यूपी दो चीजों के लिए, शुगर केन एंड वीट के लिए। वेस्ट बंगाल है जूट और राइस के लिए। गुजरात में होता है सबसे ज्यादा कॉटन, कपास। कॉफी सबसे अधिक होता है कर्नाटका में, कॉफी कॉफी कर्नाटका, साउथ इंडिया, ठीक है? एंड देन असम में होता है चाय। तो ये हो गया आपके क्रॉप्स का। नेक्स्ट जो है हमारा है आयरन ओर। तो आयरन ओर माइंस जो है कौन कौन सी है, मैंने हमने हमने जो अभी पढ़ी है कुछ बताइए आप। वसुधा एक दोनों के नाम बताइए। मैम मयूरभंज। यस, मयूरभंज कौन से राज्य में है? मैम उड़ीसा में। और कौन सी है माइंस? मैम छत्तीसगढ़ में है, बेला दिला। बैरादिला। और कौन सी है? मैम महाराष्ट्र में है, रत्नागिरी। और और मैम कर्नाटका में है, बाला। बेलारी। अब आप वसुधा देख के बोल रही हैं, लेकिन अब ये चीज आपको अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है? जिसमें आपसे कहा फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तो आप मेरे साथ बोलेंगे कि जो है आपके 4 आयरन ओर माइंस हैं। कितनी आयरन 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 ओर माइंस हैं? फोर। फोर। मैम फोर। यस। अब आप मुझे बताएंगे ओडिशा में कौन सी है?
मयूरभंज। यस मयूरभंज, ठीक है फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिए। ओडिशा में मयूरभंज है, छत्तीसगढ़ में कौन सी है? बेला दिला छत्तीसगढ़ में है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है एंड बेलारी कर्नाटका में। तो ये चार आयरन ओर माइंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। मयूरभंज, बेलादिला, रत्नागिरी एंड बेलारी। फिर से बोलिए मेरे साथ, सब बच्चे बोलेंगे मयूरभंज, बोलो सब लोग मयूरभंज। हाँ फिर कौन सा है? बेलादिला, बेलादिला। थर्ड नंबर पे कौन सा है? रत्नागिरी, रत्नागिरी। और फिर लास्ट में कौन सा है? बेलारी, बेलारी। ठीक है, तो ये हमारी चार आयरन ओर माइंस है। कितनी आयरन ओर माइंस है? चार। चार। उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा मिनरल पढ़ा था? मैंगनीज, ठीक है। तो मैंगनीज में जो है कौन सी माइंस हमने पढ़ी है बताइए? मैंगनीज जो है उसमें हमने कौन सी माइंस पढ़ी है? ऐसे कोई वही नहीं हो रहा आपको, मैं अब सामने रख देती हूँ, आप मुझे बताइए मैग्नीज में हमने कितनी माइंस पढ़ी थी? कुछ भी याद नहीं है? चार। नहीं चार नहीं है, ये देखिए दो। एक बार ध्यान सब लोग देख लीजिए, ये मैग्नीज की माइंस है कौन कौन सी, बहुत ध्यान से देख लीजिए सब लोग। कौन सी है पहली बताइए, पहली कौन सी माइन है? बालाघाट। बालाघाट कौन से राज्य में है? ये कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। और दूसरा कौन सा है? शिमोगा। तुम स्क्रीन से भी नहीं पढ़ पा रहे हो क्या, इंग्लिश नहीं आती पढ़नी? शिमोगा कौन सा स्टेट है? कर्नाटका। ठीक है, तो ये कौन सी माइंस है, किस मिनरल्स की है? मैंगनीज। हाँ अब बताओ मुझे, हाँ साक्षी आप बताइए मुझे कौन सी माइंस है मैंगनीज की? दो मैम, शिमोगा और बालाघाट। फिर से बोलो मैम, शिमोगा और बालाघाट। बालाघाट कहाँ पर है मैम? बालाघाट मध्य प्रदेश। शिमोगा कहाँ पर है मैम? कर्नाटका। बालाघाट कहाँ पर है मैम? मध्य प्रदेश। और शिमोगा मैम? कर्नाटका। उज्जवल आप मुझे बताइए मैंगनीज की कौन कौन सी माइंस है? बालाघाट और शिमोगा दोनों कौन से स्टेट में है? मैम एक है कर्नाटका में, एक कौन सा नाम बता के? ये शिमोगा। और कहाँ पे है शिमोगा, पूरा आंसर दीजिए पहले। मैम शिमोगा कर्नाटका में। और बालाघाट मध्य प्रदेश। फिर से बताइए मैम शिमोगा कर्नाटका में और बालाघाट मध्य प्रदेश में। इसकी स्पेलिंग भी रट लेना, ठीक है? यस मैम। बाकी जो जिन बच्चों से नहीं पूछ रही उनको भी लर्न हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा तांबे की खदान कॉपर माइंस, तांबा। इसकी तीन पढ़ी हमने, एक राजस्थान में वेस्ट में जिसका नाम खेतरी है, KHETRI, और दूसरा है हमारा इसमें झारखंड में दो माइंस है, नॉर्थ में है हजारीबाग एंड साउथ में है हमारा सिंहभूम। ठीक है तो सबने देख लिया, एक बार देख लो सब लोग, ये हम कॉपर का पढ़ रहे हैं। पहले तो आप ये रख लो कि हमने कौन कौन से माइंस पढ़नी है। हमने दो फेरस पढ़नी है और दो नॉन फेरस पढ़नी है। तो फेरस में है हमारा आयरन ओर एंड मैंगनीज, और नॉन फेरस में है हमारा कॉपर एंड बॉक्साइट। उसके बाद हमें पढ़ना है कोल एंड देन ऑयल रिफाइनरीज। ये हमारे पूरे टोटल हैं। आप एक कॉपी में इन सबके पहले नाम लिख के और माइंस इनके सामने लिख लीजिए एक अलग अलग पेज पर, और उसको रट्टा मार लीजिए पहले, तो उसके बाद आप उसको मैप पे बनाइए, ठीक है, कि कॉपर की कौन सी माइंस है, मैंगनीज की कौन सी माइंस है। इस तरह से आप लर्न कर लोगे तब आप मैप पे बनाओ, तब कंफ्यूज नहीं होगे। ऑलराइट सबने देख लिया होगा, अब मैं फिर पूछती हूँ आपसे। अब आप मुझे बताइए
वसुधा आप मुझे बताइए कि राजस्थान में नॉर्दर्न साइड में कौन सी कॉपर की माइन है? मैम खेतरी, मैम स्पेलिंग बताइए। KHETRI। नॉर्दर्न झारखंड में? मैम एक है हजारीबाग, और हाँ, मैम एक साउथ में कौन सी है? नॉर्थ स्पेलिंग बता दो। सी, मैम SIN। सिंहभूम, SINGHBHUM, सिंहभूम। ठीक है, उज्ज्वल आप मुझे बताइए कॉपर की माइंस कौन कौन सी हैं और कौन से स्टेट में हैं? मैम एक तो है खेतरी जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, और एक हजारीबाग है राजस्थान और दूसरा कौन सा है? हजारीबाग कहाँ पर है बताइए उज्जवल, हजारीबाग कहाँ पर है? उज्जवल आपको मेरी आवाज आ रही है? बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। तो झारखंड में कौन कौन से कॉपर की माइंस है बताइए। मैम आ गया, मैं वापस गलती से लेफ्ट हो गया था मैम, वो देखो झारखंड में। यस अच्छा पता करके आ गए, मैम, झारखंड गए थे। अच्छा तो कौन नो सी है मैम, झारखंड में? हजारीबाग। अच्छा और साउथ, झारखंड नहीं गए थे? साउथ में कौन सी है? नो मैम, बस एक का ही पता हुआ दूसरा कौन सा है? मैम, अंग्रेजी दूसरे का में भी आप नाम बताइए। की तो स्पेलिंग। आप लोग कोई इलिटरेट थोड़ी ना बोल, तो सिंहभूम क्या नाम है बोलो मेरे साथ? सिंहभूम, सिंहभूम, हाँ सिंहभूम। ठीक है सिंहभूम, हाँ, यस मैम। तो स्पेलिंग लर्न कर लेना हिंदी में जो भी, अगर इंग्लिश मीडियम जो भी हो तो उसको स्पेलिंग बार लिख ले, देख लेना। ठीक है, तो ये यस हो गया मैम, हमारा तांबे की खदानें। अब हम आते हैं बॉक्साइट पर, बॉक्साइट देख लीजिए कौन कौन सी है। कटनी, बिलासपुर एंड कोरापुट। कटनी, बिलासपुर एंड कोरापुट। कोरापुट तो मतलब मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता ही आता है, और ये है हमारी बॉक्साइट जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है। देख लिया सबने? चलिए बताइए, खुशी आप बताइए। कटनी, बिलासपुर एंड कोरापुट। तो इतना आज की क्लास खत्म होती है। आप जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है? और मतलब आपका पूरा जो मैप वर्क है वो आपका मंडे को जब आप आएंगे तो मैं उसका टेस्ट लूंगी, और जो भी बच्चे हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो मैं तो ग्रुप में डाल ही दूंगी। तो ये आपका इंडिया का मैप वर्क कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम, प्रैक्टिस कर लो अभी कभी बैठ कर, ठीक है? यस मैम। ओके।